दोस्तों आज आठवाड़ा है, आठवां दिन यानी लास्ट, और जो फुलारी बच्चे आठ दिन तक जो फूल डालते हैं तो फिर घर घरों में जाके फूल के साथ साथ लास्ट आठवें दिन धान मांगते हैं। वैसे हर साल धान मांगी जाती थी जो साठी होती है, जिसे हम साठी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इस बार चावल मांग रहे हैं। ये देखिए सभी बच्चे, ये कुछ कम है कुछ आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हेलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। मेरा फूल बजाना चाहिए। और आज का मौसम देखने लायक है, बहुत ही सुंदर। ये देखो यार, बादल आ रखे हैं पहाड़ों को छूते हुए बादल। आज का मौसम सुंदर देखने लायक, बादल पहाड़ों को छू रहे हैं और मेरे गांव का सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का यार, बहुत प्यारा प्यारा नज़ारा है। माता श्री आंगन की सफाई कर रहे हैं और कोहरा भी लगा हुआ है। भाई क्या देना है, क्या दूं क्या दूं, क्या दूं तू तो बोल दूं कि चौल दूं, चौल दूं कि साठी, बताओ बस चौल बताओ कितने आवेन बताओ। अरे वाह, तेरा बता भाई, वाह। यू बच्चे रुचि, ये तो कह रही है सबसे लास्ट मार रहे हैं छोटे बच्चे। हाय 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 प्रणाम प्रणाम। बस बचपन की याद आ गई, चुटिया बांधते हुए बचपन में। तो दोस्तों आज से नवरात्रि भी शुरू हैं, इसीलिए यहाँ पर माता रानी के मंदिर में आया था। हरियाली डाल चुका हूँ यहाँ पर और आज ही अठवाड़ा भी है, दोनों चीज़ एक साथ है। जय हो माता रानी के दर्शन कीजिए आप सभी लोगों पर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस स्थान पर जो है डोली रखी जाएगी, ये बहुत ही पवित्र पत्थर हैं, दो जो पत्थर हैं सबसे पवित्र पत्थर हम इन्हें कहते हैं। पहले से इन्हें गाय के गोबर से और लाल मिट्टी से, पहाड़ी जो लाल मिट्टी होती है उसे घसाई लिपाई की है पहले, और उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक बनाया जा रहा है दादाजी के द्वारा। तो अभी यहाँ पर खाना बनने का कार्यक्रम चल रहा है, ये देखिए हो गया देवता का जो है प्रसाद भोग, जो कि सभी गांव वालों में बांटा जाएगा। चाचा जी हमारे कटिंग मास्टर, हमारे चाचा जी खाना बनाने वाले मास्टर और दादा जी। तो ये ला चुके हैं कटाई से शुद्ध जल पानी, जो कि खाना बनाने के लिए चाहिए था हमें। वेरी गुड एरिया, शाबाश। तभी केले के फ्रूट यानी पत्ते निकाल रहे हैं जो कि ढकने के लिए, आराम से रे, ये काफ़ी शुद्ध पवित्र माने जाते हैं इसलिए इन्हें निकाला जा रहा है। ये केले के पत्ते जिनके बारे में चाचा जी कहेंगे, चाचा जी केले के पत्ते किसके काम आते हैं? चावल के ऊपर रखने के काम आते हैं, उसका भाप बनेगा अच्छे चावल बनेंगे। अच्छा, और इन्हें पवित्र भी माना जाता है, देव कार्य में यूज किया जाता है। ये भगवान के लिए भोग बनाया जा रहा है, खीर बनाई जा रही है मीठी। ये दाल बन चुकी है और ये चावल है दोस्तों, जो कि केले के पत्तों से इन्हें ढका रखा है। ये देखिए, ये पूरे गांव को खिलाया जाएगा। देवता अभी अभी आए हैं डोली और निशान, पूरे गांव का भ्रमण करके थोड़ी देर विश्राम करेंगे यहाँ पर घसाई लिपाई की है, उसके बाद होगा देव नृत्य। सभी लोग आएंगे गांव के, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं लोग।
सौ घोसते हैं एक साल के लिए रहने के लिए, पूरा बसेरा एक साल का, और एक साल तक वहीं रहेंगे जहाँ क्षेत्रपाल देवता जाएंगे। गोवा की डोली भी वहीं रहेगी दोस्तों। अभी जब हम खोजी जा रही है कि किस घर में जाएंगे इस बार, और एक साल तक वहीं रहते हैं, फिर एक साल बाद चैत्र के महीने फिर बाहर आते हैं। याद पैने पैर को लिया तू पता चल दादी